हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो एग्ज़ाम डेट था 17/9/2018। यहाँ पर देख रहे होंगे 17/9/2018 का क्वेश्चन मैथ का पार्ट वन लेके आए हैं। ये दो पार्ट में होगा क्योंकि 25 क्वेश्चन है, तो मैं वीडियो को छोटा करने के लिए दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यील्ड अ रिकरिंग डेसिमल। मतलब हमें ऑप्शन दिया हुआ है चार, इसमें से ये बताना है कि कौन सा डेसिमल रिकरिंग है। तो आपको पहले देखना होगा कि कौन सा डेसिमल रिकरिंग है और नॉन रिकरिंग, इसके बारे में कुछ बेसिक है आपको हम बता देते हैं। कोई भी डेसिमल या कोई भी नंबर अगर पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा, रिकरिंग कब होगा और नॉन रिकरिंग कब होगा उसके बारे में जानते हैं। पहले देखते हैं हम लोग, देखिए डेसिमल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। डेसिमल में एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी आता है रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। जो नॉन रेकरिंग होता है वह एक इरेशनल नंबर होता है, तो हम नॉन रेकरिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, रेकरिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ठीक है। तो पहले देखिए हम टर्मिनेटिंग के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। टर्मिनेटिंग क्या होगा, सपोज कर लेते हैं कोई भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, ठीक है, जिसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अगर ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, अगर इसका हर मतलब डिनोमिनेटर 2m या फिर 5n दोनों के प्रोडक्ट फॉर्म में हो, या फिर सिर्फ 2m हो या फिर 5n हो, अगर इसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होगा तो वह नंबर टर्मिनेटिंग होगा। मतलब कभी ना कभी वह किसी पॉइंट पे जाके वह डिवाइड हो जाएगा, मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, तो उसको कहेंगे हम टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होगा, इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर अगर डिवाइड में होगा या फिर हर या फिर डिनोमिनेटर में होगा तो वह एक नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे ही नॉन टर्मिनेटिंग होगा वह नंबर रिकरिंग हो जाएगा, समझ गए होंगे। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे यहाँ पर और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए पहले फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, 24/60, इसको काट लीजिए, 12 से कट जाएगा, 12 2 जा 5 जा, मतलब नीचे में देखिए क्या है, 5 हो गया, तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। इसको काट लेते हैं, 6 4 जा 6 5, 4 और 5 आ गया, नीचे में 5 आ गया, ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 6 से काटते हैं, 6 4 और 15, ये कितना जाएगा, 1 5 जा, ठीक है। मतलब देखिए थर्ड ऑप्शन में 4/15 आ रहा है, मतलब इसको ऐसे रखते हैं 4/3 × 5, देखो 5 तो है लेकिन यहाँ पर 3 भी आ गया, तब ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और ये रिकरिंग डेसिमल हो जाएगा। तो ऐसे आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर ऐसे डिवाइड कीजिएगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए ऑप्शन इसका इस कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए, थर्ड इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इन द रेशियो 3:1 है, इफ द पेरीमीटर दिया हुआ है, मतलब लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है 3:1 में, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 96, तो निकालना है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। सपोज कर लेते हैं एक रेक्टेंगल है, अगर लेंथ दिया हुआ है 3 यूनिट तो इसका ब्रेथ हो जाएगा 1। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L+B, ये होता है, इज इक्वल टू 96 हमें दिया हुआ है। 2 × मान लेते हैं ये 1x 3x के फॉर्म में है, ये कितना हो जाएगा, 3x + 1x कितना हो जाएगा, ये 4x = 96, मतलब 8x = 96
एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। अगर एक्स का वैल्यू 12 हो जाएगा, पूछा गया है हमें लेंथ, लेंथ कितना है 3x, तो 3x यहाँ पर एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 × 3 = 36 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से, देख कहा गया है 55/11, इसको काट लीजिए 55/11 प्लस 18 − 6 × 9। तो आसान क्वेश्चन है, इसको क्या होगा 11 से 5 वर्म कट जाएगा, 5 प्लस 18 − 6 12 × 9, 12 को 9 से गुना कर देंगे 108 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 5, 108 प्लस 5 113 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 48 पीपल कुड कंप्लीट अ टास्क इन 17 डेज, आफ्टर 6 डेज 4 वर्कर्स लेफ्ट, हाउ मेनी डेज फ्रॉम देन विल टेक कंप्लीट द वर्क। देखिए कहा गया 48 आदमी मिलकर किसी काम को 17 दिन में कर देता है। देखिए 48 आदमी किसी काम को 17 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं एक आदमी इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो कितना हो जाएगा ये, एक आदमी इस काम को कंप्लीट करने में कितना लगा देगा, 17 × 48, मतलब ये क्या होगा हमारा टोटल काम है जिसको करना है। तो कहा गया है पहले 6 दिन तक सभी वर्कर काम करता है, उसके बाद 4 वर्कर काम छोड़ देता है। मतलब अगर हमारे पास 48 वर्कर था तो फर्स्ट 6 दिन तक तो काम किया साथ में मिलके, बाकी जो बचे हुए दिन था उसमें 4 वर्कर चला गया, तो बचा कितना वर्कर 44। इसको मान लेते हैं एक्स दिन तक काम किया, एक्स दिन तक काम करने के बाद जो काम हमारा कितना है इतना को कंप्लीट किया, तो कितना हो जाएगा, देखिए 17 को 48 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कैसे आएगा आंसर, कैसे इसको मल्टीप्लाई कर, देखिए हम इसको क्या कर लेंगे, इसको 48 को मानते हैं 50, अगर हम 50 को 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 850, ठीक है। माइनस 2 जरा ये 2 इसको माइनस 34 को माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा ये 816। देखिए ऐसे आप जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकते हो और यही आपको टाइम भी एग्जाम में बचाएगा, ठीक है। 18 को 48 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए इसको ऐसे कर लीजिए 50 को 6 कर लिए 300 माइनस 12 कर दीजिए, तो 300 माइनस 12 आपको करना है कितना हो जाएगा 288 प्लस 44x, ठीक है। तब यहाँ से एक्स के वैल्यू आप पहले निकाल लीजिए, एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखिए 288 को इधर ले जाइए माइनस हो जाएगा तो कितना जाएगा 44x इज इक्वल टू 816 माइनस 288, ये हो जाएगा। देखिए अब इसको माइनस कैसे करेंगे आप, देखिए इसको कहते हैं हम लोग, मान लेते हैं इसको ये 300 है, ठीक है, 816 में से 300 माइनस कर लेंगे कितना जाएगा 560। इसमें से हम क्या किए, हम 12 एक्स्ट्रा घटा दिए हैं, तो एक्स्ट्रा 12 कर देते हैं, ऐड कर देते हैं इसमें से, तो आपको कितना जाएगा 520। बस आप ऐसे ही मतलब ओरली आप इसको माइनस प्लस कर सकते हैं, 528 इसको 44x है, x का वैल्यू अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं, x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, एक्स इज इक्वल टू 528/44। देखिए पहले 11 टाइम्स में काट लीजिए, 11 फोर जा 44 और ये होगा 11 एट जा, यहाँ पर कितना हो गया 4, मतलब कितना हो जाएगा 12। एक्स का वैल्यू 12, एक्स क्या था आपका, एक्स था कि जो रिमेनिंग वर्क बच गया, जैसे कि 6 दिन ये लोग काम किया, 6 दिन के बाद 44 वर्कर इसको कितना दिन में कंप्लीट कर देगा, कितना आया था हमारा आंसर 12 दिन में कंप्लीट कर देगा। पूछा भी हमसे यही गया है कि इस काम को जो बचे हुए हाउ मेनी डेज फ्रॉम देन, मतलब उसके 4 लोग को जाने के बाद जो रिमेनिंग वर्क है वह कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा आंसर 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
आउट ऑफ 60 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, अगर 60 स्टूडेंट का एक क्लास है जिसमें से 29 स्टूडेंट मैथ को पसंद करता है, 32 बायोलॉजी को, 8 ऐसे हैं जो दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट को पसंद नहीं करते हैं, तो हाउ मेनी स्टूडेंट टुक बोथ मैथ एंड बायोलॉजी। देखिए आप इसको हम एक पाई चार्ट बताते हैं, ये चार्ट बना देते हैं, ठीक है, जिसमें से एक हो गया मैथ्स का स्टूडेंट का चार्ट और दूसरा हो जाएगा बायो का स्टूडेंट का चार्ट, ठीक है। तो हमें बताया गया है 29 स्टूडेंट से जो मैथ को पसंद करता है, ये हो गया 29 मैथ वाले और 32 हैं जो कि बायो को पसंद करते हैं, ठीक है। इसमें से कहा गया है 60 ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास में, उसमें से 8 स्टूडेंट जो है दोनों में से कोई सब्जेक्ट को पसंद ही नहीं करते, मतलब 52 स्टूडेंट है जो मैथ और सब्जेक्ट मैथ और बायो को पसंद करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, ये यहाँ देखिएगा, इसको अगर हम बायो और मैथ्स को मिलाएंगे टोटल कितना हमारे पास स्टूडेंट हो जाएगा, 29 प्लस 32 61, ठीक है। देखिए अब क्या हम देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ 52 स्टूडेंट है जो मैथ और बायो को दोनों को पसंद करते हैं, लेकिन हमारा आ रहा है 61 क्यों और ज़्यादा आ रहा है, देखिए यहाँ पर दोनों में ओवरलैपिंग भी है। यहाँ पर ये पार्ट क्या है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बायो वाले मैथ्स को ही पसंद करते हैं और कुछ स्टूडेंट मैथ वाले भी बायो को पसंद करते हैं, दोनों का एक कॉमन हो सकता है, ठीक है। तो कॉमन ही हमें निकालना है, दोनों सब्जेक्ट को कौन पसंद करता है, तो मतलब 61 स्टूडेंट जो मैथ बायो का है, इंटरेस्टिंग इसमें दोनों में कितने 52, क्योंकि हमारा 8 तो इस ऑब्जर्वेशन से बाहर ही हो गया, मतलब दोनों में से किसी को पसंद करता ही नहीं, तो 61 - 52 = 9 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 to the power 21 + 7 to the power 22 + 7 to the power 23 + 7 to the power 24 / 35 द रिमाइंडर है, मतलब इसका शेषफल कितना होगा वो निकालना है। शेषफल कैसे निकालेंगे हम, इसको पहले देखते हैं, 7 का पावर 21 सब में कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 7 का पावर 1, मतलब 7 ही होगा, प्लस 7 पावर 2 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 7 पावर 3 बच जाएगा यहाँ, ठीक है। तो 7 पावर 21 इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना होगा 8 × 49 = 57 + 343 कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ दीजिए 400 हो जाएगा, 7 पावर 21 × 400। इसको अगर हम 25 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर कितना, देखिए 25 से कट जाएगा 16 टाइम में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर 0। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एवरी मंथ कार्तिका स्पेंड 30% ऑफ हर इनकम ऑन हाउस। देखिए एक कृतिका 30% अपना इनकम को हाउस रेंट पर खर्च करती है एंड 60% ऑफ द रेस्ट, मतलब जो बचा हुआ है 30% खर्च करने के बाद 60% हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, मतलब हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पर खर्च करती है, उसके बावजूद वह 6300 रुपीज पर मंथ सेव कर लेती है। पूछा गया उसका मंथली इनकम क्या होगा। देखिए अगर मान लेते हैं इनका इनकम अगर 100 रुपीज का है, ठीक है, 100 रुपीज में से 30 रुपीज हाउस रेंट देता है, तो बचेगा कितना इसके पास, 30 रुपीज स्पेंड करने के बाद इसको बच गया 70 रुपीज, बचे हुए रुपीज में से 60% हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पर खर्च करती है, मतलब कितना हो जाएगा 60% इसको निकालने कितना होगा 42, बचेगा कितना 28 रुपीज ये सेव कर लेती है, यही 28 रुपीज इज इक्वल टू दिया हुआ है 63, मतलब 28 रुपीज इज इक्वल टू 6300। तो इसका पूछा गया व्हाट इज हर मंथली इनकम, मतलब 20 = इतना, तो 100 = कितना होगा उसका वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो 100 रुपीज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 63 बाय
28 इंटू 100 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 7 टाइम में काट लेते हैं, 7 4 जा 7 9 जा, मतलब 900 इसको काट लीजिए, 4 दूनी 8 2 5 इस पर 00, मतलब सर है 22,000, मतलब 22,500 रुपये ये खर्च करती है, मतलब 22,500 रुपये इसका क्या है, इनकम है। ठीक है, तो यहाँ से आप उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ x प्लस वाई का वैल्यू 3 और x वाई का वैल्यू 2 दिया है, तो फाइंड एक्स क्यूब माइनस वाई। देखिए इसको आप फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालना पड़ेगा, एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो इतना आपको नहीं करना है। इसको बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर एक्स इंटू वाई का वैल्यू दिया हुआ है 2, मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट 2 दिया, 2 को फैक्टराइज कर लेंगे कितना होगा, 2 इंटू 1, मतलब एक नंबर अगर एक्स है दूसरा वाई है तो एक्स के वैल्यू 1 एक्स वैल्यू 2 या फिर वाई का वैल्यू 1 आ सकता है। दोनों को देखते हैं इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, दोनों को ऐड कर लेंगे 3 सेटिस्फाई कर गया, बस इसमें इसका वैल्यू पुट कर लीजिए, तो 8 का क्यूब माइनस 1 यानी कितना जाएगा आपका 7 आपका आंसर हो जाएगा। बस अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द 2 नंबर दिया हुआ है, निकालना है। देखिए एचसीएफ एलसीएम दो नंबर का दिया, उसमें से एक नंबर भी दिया, दूसरा नंबर हमें निकालना है, तो क्या फार्मूला होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम 420 4284 इंटू 32, दोनों एचसीएफ एलसीएम का मल्टीप्लाई इंटू दोनों नंबर होगा, दोनों नंबर का प्रोडक्ट 672 एक नंबर है और एक नंबर हमें निकालना है, इसको मानते हैं एक्स। इस एक्स की वैल्यू कैसे हो जाएगा, 4284 4284 into 32 by 672, बस इसको आप डिवाइड कर लेते हैं, 4 से काट लेते हैं इसको, 4 8 16 64 और 8, देखिए ये भी 8 से कट जाएगा, 8 2 और 1 कट गया। अब देखिए इसको 21 डायरेक्ट हम काट सकते हैं, 21 2 42 0 और 4, 21 4 84 यानी इसका आंसर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अलजेब्रा से है, a - 1/a = 7, देन a² + 1/a² की वैल्यू क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए इसको हम स्क्वायर कर दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, तो a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 into a into 1/a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 49, तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 चल जाएगा कितना होगा प्लस, यानी 49 + 2 कितना हो जाएगा 51 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन भी एच सी एफ एल सी एम से ही है, एच सी एफ अगर 2 नंबर इज 11 एंड दियर एल सी एम इज 330, उसमें फिर सेम क्वेश्चन है, 11 × 330 दो नंबर का एच सी एफ इंटू एल सी एम सॉरी 330 है ये इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर यानी दो नंबर का गुणनखंड, तो ये हो जाएगा, बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 11 5 जा 11 3 जा, 6 टाइम में कर जाएगा ये कितना जाएगा 66 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सब आसान क्वेश्चन था, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। अगला क्वेश्चन भी एस सी एफ एल सी एम से ही है, देखिए एक 5 नंबर दिया हुआ है, इस 5 का हमें एल सी एम निकालना है। देखिए एल सी एम आप लॉन्ग मेथड से ना निकाले, डिवीजन मेथड से, आप सिर्फ इसको फैक्टराइज करें, मतलब गुणनखंड करें, और एल सी एम आसानी से 16 दिया हुआ है, 16 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2^4 24 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 24 कितना होता है 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2^3
आठ इंटू तीन, 36 का कितना हो जाएगा? 9, चौके 36, 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 52 का कितना हो जाएगा? 13 इंटू 2, 54 का कितना हो जाएगा? 54, 27 दूनी 2, मतलब 3 का पावर 3 इंटू 2। देखिए एलसीएम कैसे निकाला जाता है, जो सभी में सबसे हाईएस्ट पावर होगा उसको लेते हैं। जैसे कि 2 का सबसे हाईएस्ट पावर 4, 3 का सबसे हाईएस्ट पावर कितना है? 3। उसके बाद कोई नंबर है तो नंबर 1 13 है, 13 का हाईएस्ट पावर 1 है, तो सिर्फ 13 ही लेंगे बस। सभी इस तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ़ आई गेन 19%, इफ आई सेल एन आर्टिकल ऑफ 595, मतलब कहा गया है अगर हम किसी प्रोडक्ट को 19% की लाभ से बेचेंगे तो उसको हम 595 में बेच पाएंगे। तो मतलब हम सपोज कर लेते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट है 100 रुपीज का, इसको हम 119 में बेच देते हैं, तो 19% लाभ से बेचेंगे तो इसको 595 रुपये में बेचते हैं। तो मतलब हम इस 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा वो निकाल लेते हैं, तो कितने 5 से कट जाएगा, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 5, मतलब 100 यूनिट इज इक्वल टू 500, मतलब 500 का हमारा सामान था जिसको 595 में बेचेंगे तो 19% की लाभ होता। लेकिन पूछा गया अगर हम इसको 475 में बेचते हैं तो इसमें हमें लाभ होगा कि हानि? सिंपल है, ये क्या हो जाएगा? हानि होगा। तो इसमें कितना परसेंट हानि होगा वो निकालना है हमें, तो कितना होगा? 25 रुपीज का हानि हो रहा है। 25 बाय 500 कर देते हैं, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, आपको आंसर आ जाएगा 100 100 कैंसिल 5, मतलब कितना होगा? 5% का इसको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो बस इस वीडियो को हम यही कंप्लीट करते हैं। इसमें करिए आपको 14 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। ठीक है, ये पार्ट 1 था। सेकंड पार्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच गया है उस क्वेश्चन को हम सेकंड पार्ट में लेकर के आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।